नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं कुमार जितेंद्र। राज्यसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने मांगा आरजेडी से समर्थन, कांग्रेस से भी समर्थन देने की अपील की। 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी का खौफ दिखाकर लालू यादव से समर्थन मांगा है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को संबोधित करते हुए लालू यादव से अपील की है कि बीजेपी के गेम प्लान को समझें और आने वाले चुनाव में हमारा साथ दें। अरुणाचल प्रदेश में ऑटोनोमस जिले की मांग को लेकर राज्य के पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्री पेमा खांडू केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू से मिले। दिल्ली में गृह मंत्रालय में हुई बैठक। प्रदेश में दो नए ऑटोनोमस जिले मौन और पटकल की स्थापना के लिए पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्री पेमा खांडू ने गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात की। इस मुलाकात में पेमा खांडू ने तवांग और पश्चिम कामेंग के लिए स्वायत्त जिला परिषदों के निर्माण के लिए चर्चा की। वहीं पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के विकास के लिए रिजिजू से अनुरोध किया कि केंद्र सरकार से प्रदेश को स्पेशल पैकेज दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने INS विक्रमादित्य को किया राष्ट्र को समर्पित और कहा, दूसरे को आंख नहीं दिखाएंगे लेकिन आंख झुकाएंगे भी नहीं। सबसे बड़ा विमान वाहक पोत को राष्ट्र को समर्पित करने के दौरान नौसैनिकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और ये प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए नौसेना की भूमिका को अहम करार दिया। इससे पहले PM ने नौसेना की ताकत का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी MiG-29 के विमान के पायलट सीट पर भी बैठे और लगभग 4 घंटे INS विक्रमादित्य पर भी रहे। INS विक्रमादित्य के नौसेना में शामिल होने के बाद भारत ऐसे देशों में शामिल हो गया है जिनके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इससे नौसेना की ताकत बहुत बढ़ गई है। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने नेसवाडिया पर लगाया छेड़खानी का आरोप। राज्य महिला आयोग ने की है 24 घंटे के अंदर वाडिया की गिरफ्तारी की मांग। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा द्वारा छेड़खानी के आरोप लगने के बाद नेसवाडिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। वाडिया ने भी प्रीति के खिलाफ हमलावर रुख अपना लिया है। सूत्रों के मुताबिक वाडिया अब प्रीति जिंटा पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। प्रीति ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिखा है कि जब उनके साथ बदसलूकी हो रही थी तो किसी ने भी उन्हें नहीं बचाया, बल्कि उनके चरित्र पर ही उंगली उठाई गई। प्रीति ने इस संबंध में मुंबई के मरीन ड्राइव थाने में केस दर्ज कराया है। दिल्ली NCR में हुई झमाझम बारिश, गर्मी से मिली लोगों को राहत। शनिवार को न्यूनतम तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली वासियों के सुबह की शुरुआत कल झमाझम बारिश के साथ हुई। अगले कुछ दिनों में और बारिश होने का अनुमान जताया गया है। शनिवार को न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री कम है। मौसम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्से में हल्की बारिश के साथ आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे और आंधी चलने की भी उम्मीद है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र सिंह राठौर की भेंट हुई। प्रदेश को विशेष पैकेज देने की मांग की गई। राठौर ने किया घटाई गई मेडिकल सीटें बहाल करने का आग्रह। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से भेंट कर देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य राजस्थान की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर प्रदेश के लिए विशेष केंद्रीय मदद पैकेज के रूप में देने की मांग की है। साथ ही राज्य के जयपुर एवं अजमेर मेडिकल कॉलेज में घटाई गई 150 सीटों को पुनः बहाल करने का अनुरोध भी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गोवा के पणजी में किया भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित, कहा देश के अच्छे दिन के लिए लेने होंगे कठोर फैसले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गोवा के पणजी में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि गोवा से उनका पुराना नाता है। उनके जीवन की कई महत्वपूर्ण घटनाएं गोवा में ही घटी हैं। उन्होंने भाजपा की गोवा में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पार्टी द्वारा दी गई चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी की भी चर्चा की। PM ने कहा कि देश की सेहत को ठीक करने के लिए कठोर फैसले लेने पड़ेंगे, इससे देश का भविष्य मजबूत होगा। उन्होंने आगे कहा कि ये फैसले देश की आर्थिक सेहत को ठीक करने के लिए लेने होंगे। विश्व ब्लड डोनेशन दिवस के उपलक्ष्य में ईटानगर में RK मिशन अस्पताल के विवेकानंद हॉल में चलाया जा रहा है ब्लड डोनेशन कैंप।
ये कैंप अरुणाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी और विवेकानंद युवा शक्ति के सहयोग से स्वास्थ्य सेवा नाहरलगन निदेशालय द्वारा आयोजित किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कालीखो पुल और सचिव इंद्र मालो इस आयोजन में मुख्य अतिथि मौजूद थे। कालीखो पुल ने आयोजकों की सराहना की और कहा कि स्वास्थ्य वितरण प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से सुझाव लिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने जागरूकता पैदा करने में मीडिया की भूमिका पर भी बल दिया। स्वास्थ्य सचिव मालो ने रक्तदान के लाभों को रेखांकित किया और नियमित डोनर्स को समारोह के दौरान सम्मानित भी किया गया। अरुणाचल प्रदेश में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने हाईवे अधिकारियों के सामने रखी माफीनामा की मांग करने के बाद हो सकी बैठक। इस बैठक में राज्य के गृह मंत्री तांगा ब्यालिंग, हाईवे चीफ इंजीनियर, पीडब्ल्यूडी कमिश्नर, होम कमिश्नर, आईजी पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और ऊपरी सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट जिला चेयरपर्सन के द्वारा तागिन वेलफेयर सोसाइटी के माफीनामा मांग को स्वीकारते हुए बैठक की, जिसमें ऑल तागिन स्टूडेंट यूनियन भी शामिल था। इस सोसाइटी ने तागिन कल्चर सोसाइटी के अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी के गिरफ्तारी का विरोध किया। इस बैठक के बाद तांगा ब्यालिंग मीडिया कर्मियों के सामने मुखातिब हुए। मीटिंग करके हम लोग ने ये हुआ कि नंबर वन जो है, आज से कोई भी सिविल सोसाइटी का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली नहीं जाना है ऑफिसर के साथ। अगर कोई भी पूछताछ करना है स्टेट गवर्नमेंट को पूछना है। इसलिए आज से सिविल सोसाइटी को मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, डायरेक्टली जाके पलटा पलटा नहीं करना है। अगर जो भी करना है स्टेट गवर्नमेंट को, चाहे मिनिस्टर कंसर्न मिनिस्टर को, चाहे हमको बोलना है, इसका समाधान हम लोग निकलेगा। अपना ऑफिस में तुतु में नहीं करना है। ऐसे करके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑफिसर है, उसको हम अच्छा से प्रोटेक्शन देगा। लोग भी नहीं दौड़ना है, स्टेट गवर्नमेंट इसको प्रोटेक्शन किया जाएगा। ये हाईवे का नाम लेके हो, कोई भी डिपार्टमेंट एजेंसी का भी हो, हम लोग प्रोटेक्शन देगा पक्का। नंबर टू, जो आज का मीटिंग में डिसाइड हुआ है कि पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट नोडल डिपार्टमेंट है, इन लोग ने ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन लोग ने टेकअप करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले बोला था कि ये अरुणाचल ट्रांसवे जो है हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को कनेक्ट करने का वादा किया है। वो वादा को मेरा विश्वास है सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा वर्ष 2013 की परीक्षा का परिणाम गुरुवार को घोषित कर दिया। इस प्रतिष्ठित परीक्षा में 3 साल से चले आ रहे महिलाओं के 12 वर्चस्व को तोड़ते हुए हैदराबाद में प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षु IPS गौरव अग्रवाल ने इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। हैदराबाद में IPS का प्रशिक्षण ले रहे गौरव का ये दूसरा प्रयास था। पहले प्रयास में उनका भारतीय पुलिस सेवा में चयन हुआ था। गौरव ने अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने परिवार को दिया। कार्मिक मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार इस परीक्षा के कुल 1122 सफल उम्मीदवारों के नामों की संस्तुति भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और अन्य सेवाओं में नियुक्ति के लिए की गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी को नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। 3 साल का होगा इनका कार्यकाल। कानून मंत्रालय ने मुकुल रोहतगी को राज्य सरकार का शीर्ष कानून अधिकारी नियुक्त करने संबंधी एक औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार रंजीत कुमार को पहले ही सॉलिसिटर जनरल नियुक्त कर चुकी है। इसके साथ ही 6 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की भी नियुक्ति की गई है। मुकुल रोहतगी GE वाहनवती के स्थान पर देश के 14वें अटॉर्नी जनरल होंगे। वाहनवती ने केंद्र में सरकार बदलने के बाद पद से त्याग पत्र दे दिया था। 27 साल बाद भी अरुणाचल प्रदेश की सड़कें हैं खस्ता हाल में। प्रशासन को नहीं है इसकी कोई सुध। अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिले 27 साल हो चुके हैं। शिलोंग से स्थानांतरित के बाद 1974 में ईटानगर को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बनाया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग 52A एक लौती ऐसी सड़क है जो ईटानगर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती है। और दुख की बात यह है कि इस हाईवे की हालत बेहद खराब है। सड़क पर गड्ढे हैं,
सीवर खुले हैं और बारिश के बाद तो हालत और भी खराब हो जाती है। वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री गोजेन गादी ने सड़क को सही करने के लिए कुछ टाइम मांगा है। इस वक्त मैं खड़ी हूँ NH-52A नेशनल हाईवे पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये किसी भी एंगल से आपको NH-52 नेशनल हाईवे नहीं लगेगा। अभी भी ऐसा लगता है कि ये रास्ता कोई बस्ती को होके जाता है। अभी ईटानगर बहुत सिविलाइज हो चुका है, बहुत डेवलपमेंट आ गए हैं, ऐसे लोगों का कहना है, ऐसे नेताओं का कहना है। पर आप पीछे मेरे पीछे देख सकते हैं कि डेवलपमेंट के नाम पे जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो है रोड कम्युनिकेशन। बट रोड कम्युनिकेशन के लिए आपको यहाँ पे दूर दूर से रास्ता तो बहुत ही बदतर हालत में आपको देखा जाएगा। अरुणाचल अगर बाहर वालों के हिसाब से देखा जाए तो इसलिए मशहूर है कि अरुणाचल बहुत एक अच्छी हिल स्टेशन है। यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर के रूप में बहुत सारे स्कोप है। लेकिन अगर आप अरुणाचल के वासियों को पूछो कि अरुणाचल किस लिए मशहूर है तो वे वही बोलेंगे, अरुणाचल मशहूर है ख़राब रास्तों के लिए। ख़राब रास्तों पर जर्नी करना, ट्रैवल करना, उनको ऐसा लगता है कि वो कोई लड़ाई पे, कोई युद्ध से लड़के आ रहे हो। द सेम हालत अभी फ़िलहाल मेरे पीछे रास्ते पर, बारिश एक घंटे की हो जाएगी कि रास्ता पूरा ख़त्म कीचड़ से भरती हो जाएगा। आप गाड़ी वालों को जाना तो मुश्किल हो ही जाता है, द सेम टाइम जो पैदल जाते हैं उनके लिए तो ये रास्ता एकदम नामुमकिन लगता है चलने के ऊपर में। और यहाँ पे एक बात ये भी ऐड करना चाहूँगी कि ये वही रास्ता है, दिस इज़ द ओनली रोड, ये सिंगल रास्ता है जहाँ से आपको ट्रेवल करना होता है। अगर आपने कहीं जाना है, आपको अपने डेली चोर्स के लिए कहीं जाना हो तो सेम रास्तों को आई थिंक मिनिस्टर्स, जो कंसर्न मिनिस्टर्स है या कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग हैं, वे लोग भी यूज़ करते होंगे। तब जब वे लोग इसके ऊपर ट्रैवल करते हैं तो क्या उनको ये समझ में नहीं आता है कि ये रास्ता कितना ख़राब होकर बैठा गया है? क्या उनके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आता है या ये थॉट नहीं आता है कि उनको ये रास्ता बनाना चाहिए ताकि इस पर जो जर्नी करे, इसके ऊपर जो बाहर से गेस्ट आए उनके ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़े? यही क्वेश्चन अगर आप PWD को पूछा जाए तो उनका वही कहना होगा कि अभी नई नई मिनिस्ट्री इंडक्ट हुई है, उनको समय चाहिए। पर उनको ये भी पूछना पड़ेगा कि क्या मौसम, क्या बारिश जिसके कारण ये रास्ता एक ही बार में ख़राब हो जाते हैं उनका इंतज़ार करेगी? क्या पब्लिक को और भी इंतज़ार करते हुए इतना तकलीफ सहना होगा इस रास्तों पर ट्रैवल करते हुए? मैं कैमरा पर्सन हितेश मोरांग के साथ कारपूची रिपोर्टिंग फॉर ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। राज्य में स्वास्थ्य परिदृश्य और डॉक्टरों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालने के लिए इस 9वें आम सम्मेलन का आयोजन किया गया है। राज्य भर से कई सरकारी डॉक्टरों ने इसमें भाग लिया था। APDA के प्रेसिडेंट मीका उम्पो डॉक्टर्स को उनके प्रयासों के लिए बधाई दी। इसी बीच अतिथि के रूप में आए तेजू विधायक डॉक्टर महेश चाई ने कहा कि आधारभूत संरचना की कमी के कारण लोग बेहतर इलाज के लिए अपनी कमाई राज्य से बाहर जाकर खर्च कर देते हैं, जिस चीज का ख्याल रखा जाना चाहिए। The hay scenario in the state has been given, and mostly administrative problems, and he has also shown a lot of opportunities if we avail in a right direction. I am glad to take over the responsibility of Minister Health and Family Welfare. I am happy because this is a department that is connected directly with the people. I used to love being a doctor. I think doctors are the only people in this whole universe who can do wonders with just a piece of stethoscope and BP apparatus. Although I loved being a doctor, but the situation in my home constituency, Deju, compelled me to join politics. And here I am today, standing in front of this house as a member of Legislative Assembly representing the 44th Deju Assembly constituency. The Arunachal Pradesh Doctors Association is the apex body of doctors in the state, formed 3 decades ago in the year 1989. The motto of the association is to promote and advance medical and allied sciences in the different branches and promote public health and medical education in Arunachal Pradesh, to maintain the honor and dignity and to uphold the interests of the medical profession and to promote cooperation among the members thereof. आज के समाचार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।